आज की बार भाई मेरे माइकल को कोई परेशान मत करना गाइस। वो 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 और प्रेसिडेंट अपना ये रहा, प्रेसिडेंट को नहीं मानना है गाइस। वी जस्ट गोइंग टू मेक श्योर दैट वी डू लूज द कॉप्स। ओके, ये मैम जी इधर योगा कर रहे हैं आराम से, पता नहीं कैसे कर रहे। ओ मैम 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 इसको पोस्ट दे के फोटो खिंचवा रहे हो। ओ माइकी ब्रो क्या हाल भाई। हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ GTA 5 गाइस। सो गाइस जैसे कि प्रीवियस एपिसोड में अपने लोग गए थे VIP कार स्टील करने के लिए, पुलिस कार गाइस। ओके, इट वाज अ वेरी अमेजिंग मिशन गाइस। सो दिस टाइम गाइस स्टोरी कुछ ऐसी है गाइस कि माइकल के घर पे कुछ क्रिमिनल लॉज काइंड ऑफ पीपल आए हैं। So we have to go there. और guys अपने लोग यहाँ पर है, ये फ्रैंकलिन का एक नया hideout आउट है। ओके, यहाँ पर हम लोग ने काफ़ी चीज़ें इकट्ठा की है, हमारी सभी illegal kind of weapons, armors, the cocaine, the weeds to sell it. Okay, we don't smoke, we just sell. Okay, अपने ऐसे हरकतें नहीं करते, but the counter cash. Okay, so everything is stored over here. It's our hideout. Okay guys, सो गाइज अपने लोग यहाँ से जाने वाले हैं माइकल के घर पे। ओके, अपने लोग को माइकल को लेके आने का है गाइज यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि माइकल यहाँ पे ज़्यादा सेफ रहेगा गाइज। क्योंकि आप लोग जो सीन देखोगे माइकल के घर पे, अरे भाई तू बहुत आराम से खड़ा है, कोई बात नहीं भाई। तो भाई गाइज आप लोग जैसे कि देखोगे माइकल के घर पे कुछ ऐसा सीन है गाइज, इतने लोग आए हुए हैं, उसका घर का पूरा इंस्पेक्शन हो रहा है गाइज। ओके, सो गाइज अपने लोग चाहते हैं कि माइकल को वहाँ से अपने उठा के यहाँ पे लाए, ठीक है, इसको पहले यहाँ पे सेफ कर ले, ठीक है गाइस। सो गाइस अपने लोग अपने ये कार में बैठने वाले, एक आर्मर्ड कार है गाइस। सो द सीनरियो ऐसा है गाइस कि आर्मर्ड कार इसलिए ली है, शायद पुलिस अपने को लाइक पीछे आ सकती है। सो गाइस वी नीड टू बी अवेयर। ओके, अब मेरे को इन लोग ने ड्राइवर बना दिया है गाइस, दोनों पीछे बैठ के, आई डोंट नो व्हाई। ओके ओके, अपने लोग के साथ है गाइस ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन गाइस एज ऑलवेज। ओके, ट्रेवर काफ़ी गुस्से में है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि माइकल को हम बचाने जा रहे हैं, इसलिए ट्रेवर को नहीं पसंद है माइकल। आप लोग ने शायद GTA 5 की स्टोरी लाइन देखी हो तो पता होगा दोनों के बीच में ज़्यादा बनती नहीं है, लेकिन है तो सही दोस्त एंड में। वैसे फ्रैंकलिन बहुत खुश है क्योंकि फ्रैंकलिन को पता है अपने लोग एस्केप करके आराम से जाने वाले है। सो गाइस जोक्स अपार्ट, ओके, अपने लोग फ्रैंकलिन के घर काफ़ी नज़दीक पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर जो एक्लिप्स टावर है राइट साइड, ओके, GTA ऑनलाइन में बहुत ही बड़ी houses and everything, आप लोग वहाँ से buy कर सकते हो guys, is the Eclipse Tower, okay? So guys, I think अपने लोग नज़दीक है माइकल के घर के, काफ़ी ही नज़दीक है guys, yes. Okay, उसका घर वो रहा, वहाँ पर टेनिस कोर्ट है। अपने लोग guys यहाँ से left लेंगे। Okay guys, it is a bit of scene guys, okay? Scenery तो कुछ हुआ है guys, okay? जैसे कि guys अपने लोग को, okay, वो रहा माइकल वहाँ पर ही खड़ा है guys. Well guys, जो भी हो ठीक है, सीनेरियो बहुत ही हार्ड था गाइस। ओके, मुझे लग रहा है माइकल को बुरा लगेगा पीछे से एंटर हो गए तो अपने को फ्रंट से ही एंटर हो जाते हैं गाइस। डोर्स उसने ओपन करके रखे हुए हैं अपने लिए, सो गाइस अपने लोग जा सकते हैं, उसने अब भी ओपन किए, दो बॉडीगार्ड्स है। ओके, माइकल ने रखे हुए। ओ माइकी ब्रो क्या हाल भाई, तेरा गार्डनर किधर है भाई, तेरा गार्डनर इधर कहीं पे होगा। वेल एनीवे गाइस माइकल सून, सॉरी सॉरी माइकी आई एम सॉरी ब्रो। सो भाई उप्स ही लुक्स एंग्री। सो माइकल को जाना पड़ेगा अंदर बात करने के लिए गाइस, तब तक अपने लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे गाइस, ठीक है, क्योंकि अपने लोग माइकल को मॉरल सपोर्ट देने आए। ओके गाइस, तब तक अपने कार्स मैं कार्स देख लेता हूँ, तब तक माइकल भाई तू अंदर जा आराम से। ओके ठीक है, तो अंदर जाके देख सब कैसा माहौल है, हमें कुछ बता हमको अगर आना पड़े तो, ठीक है। ओके ओके Let's see. Big Daddy in the house. Mm-hmm. If I don't live to 200, Whoa. I'm gonna sue these juicer fucks. Ugh. Ew, but the disgusting weed. Whoa. Brown. Whoa. Right, guys. Ooh. Whoa. Whoa.
Yo, DJ, buddy, come over here. Looks like Michael is calling us, guys, okay? He wants us to go, okay? वो Michael चाहता है कि guys अपने लोग उसके साथ जाए टेनिस कोर्ट तक, okay? ठीक है, देखते हैं. वैसे जिमी वहाँ पे खड़ा है आराम से. यो हेलो जिमी भाई, क्या हाल? तेरे बाप को बहुत परेशान कर रहा है आजकल तू भाई. हाँ, कुछ ज़्यादा ही, एक मुक्का मारूंगा मुंह पे, ज़्यादा परेशान किया तो. वाह, जोक्स अपार्ट गाइस. ये मैम जी इधर योगा कर रहे हैं आराम से, पता नहीं कैसे कर रहे. ओह मैम 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 सॉरी सॉरी. यो हेलो बॉस. वाह, जोक्स अपार्ट अगेन गाइस. तो गाइज अपन लोग अभी टेनिस कोर्ट जाएंगे, टेनिस कोर्ट पे देखते हैं क्या हाल है. ये भाई साहब आराम से यहाँ पे फाउंटेन देख रहे हैं, सिक्योरिटी इतनी है यहाँ पे, इसलिए आई नो व्हाई. गाइज टेनिस रोड पे तो ये बंदे दोनों फोटो पढ़ा रहे हैं. ये फोटो खिंचवा रहा है या फिर क्या कर क्या रहा है भाई? अच्छा, इसको पोज दे के फोटो खिंचवा रहे हो गाइज? तेरे घर पे ही फोटो खिंचवा रहे लोग भाई? तो बोल रहा हूँ भाई, इतना गुस्से मत हो यार. वैसे गाइस अपने लोग अब जाना पड़ेगा, ओके? अंधेरा होने आया है, ठीक है? अपने लोग को दिन तक तो बाहर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जो हाइड आउट है वहाँ पे रात को इलेक्ट्रिसिटी नहीं है गाइस, तो वहाँ पे लाइट्स नहीं है, ठीक है? अभी नया बना है इसलिए रात को लाइट नहीं है. तो गाइस अपने लोग को दिन के लिए वेट करना पड़ेगा गाइस, ओके? टिल डे इज हियर. सो गाइस तब तक हमने सोचा है कि माइकल के घर पे आराम कर लेते हैं, उसके रूम में जाके गाइस, ठीक है? अगर माइकल बुरा ना माने तो. यो कम ऑन गाइस, इट्स योर हाउस, कंसीडर इट योर हाउस. वेल ओके, लगता है भाई माइकल फुल मूड में है भाई. और ये पीछे से क्यों खड़ा है भाई? तू इधर खड़ा ही क्यों है? मुझे पता ही नहीं चल रहा है साले, रास्ते के बीचों बीच क्यों खड़ा है भाई? देखो इधर चेयर्स है, ओके? वैसे गाइस अपने लोग ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है? अमेंडा बिजी लग रही है. वो टू मोर सिक्योरिटी गाइस, ओके? सो गाइज मैं सोच रहा हूँ कि अपना रूम में आराम कर लूँ, लेकिन ये जिमी के रूम, जिमी का रूम तो बहुत ही बेकार है गाइज, ऑनेस्टली गाइज बहुत ही गंदा है. नो वरीज गाइज. वैसे गाइज आई थिंक सो अब तक दिन हो चुका होगा, हम लोग बाहर जाके देखते हैं. वाओ गाइज, लुक्स लाइक इट्स डे लाइट, ओके? सो गाइज इट इज डे नाउ फाइनली. सो गाइज अपने लोग को अब जाना पड़ेगा, ओके? Okay guys, we're going to leave this mansion. Michael, you need to say goodbye to your house for few days, okay? थोड़े दिन के लिए भाई अपने यहाँ से जाते हैं यार, क्योंकि अपने को लाइक सेफ रहना पड़ेगा. पता नहीं ये बंदा स्ट्रीट के बीच क्या कर रहा है, ये पक्का उड़ेगा ऐसे ही खड़ा रहेगा तो. आई डोंट नो व्हाई. वैसे गाइस वो लगता है पुलिस पीछे है गाइस. आई थिंक तो देयर आर पुलिस बिहाइंड अस, आई थिंक सो गाइस. वो फायरिंग हुई थी. पुलिस बिहाइंड अस, ओके? अब वाओ, अब पुलिस भी यार हट. ओए कम ऑन गाइस, गोलियां मारो यार, बहुत पुलिस है गाइस. अच्छा, मुझे इस बार हम लोग गाइस वेपन लेना भूल गए थे, हम लोग वेपन ही लेना भूल गए थे हम लोग ने. इसने तो आर्मर्ड कार ली थी गाइस, बैकअप का भी बैकअप ले लिया था गाइस, ऑनेस्टली बताए. लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक वो गैंग हाइड आउट में अपने लोग पहुँचेंगे अपना हाइड आउट में, ठीक है, वहाँ तक तो गाइज अपने लोग पुलिस को एस्केप कर दिया होगा, आई थिंक सो, ओके? सो गाइज थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पुलिस बहुत है आगे पीछे अपने, ओके? दैट्स अ प्रीटी प्रीटी हार्डेस्ट थिंग गाइज, ओके? नो वरीज गाइज, अपने लोग स्टिल ट्राई करते हैं. वो वो Insane. Well, anyway, guys, अपने लोग हाइड आउट से काफी नजदीक है, अब अपने लोग को अपनी सीक्रेट जगह. Fucking out. I'm sorry, guys, for that. But guys, अपने लोग अब हाइड आउट के नजदीक बहुत ही नजदीक है, guys, okay? और मुझे लगता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, guys. और जब ऑप्शन नहीं होता, guys, तब तुम्हें खुद ऑप्शन बनाना पड़ता है. Yes, I know what I'm saying. You heard it really right. Yep. So guys, we're just going to focus on losing the cops, okay? We're just going to make sure that we do lose the cops, okay? That's all. Whoa, that was a really amazing ride, okay? Looks like we have finally escaped the cops. Whoa. Whoa.
That was a really insane kind of a moment, guys. Okay, his police kafi thi. Michael ko bahut hi hardest move kar kar ke uske ghar pe laaye hai. Pata nahi wo plane beech mein dheere dheere kyun ud raha hai. I don't know what is going on today in the city. Lagta hai GTA 5 mein sach mein kuch hangama ho gaya hai, guys. वैसे गाइज अपने लोग अपने हाइड आउट से बहुत ही नज़दीक है गाइज, यहाँ से अपने लोग आराम से आइडेंटिफाई कर सकेंगे अपना हाइड आउट कहाँ है. ठीक है, यहाँ से अपने लोग लेफ्ट लेंगे क्योंकि यहाँ से रोड का रास्ता बहुत नज़दीक है, जहाँ तक मुझे याद हो ये रहा. और गाइज आई थिंक सब अपने लोग अपने हाइड आउट पर आ चुके हैं या फिर काफ़ी नज़दीक है या फिर आ ही चुके हैं. अरे मैं तो बोलूँ आ ही चुके हैं. सब रास्ते एक जैसे है गाइस, इसमें ऐसा है इसलिए सब एक जैसा लग रहा है गाइस. एवरी सिंगल रोड लुक्स लाइक अ सेम एग्जैक्टली सेम गाइस. ऑन टू अनदर एली, इफ़ यू गो इवन टू द नेक्स्ट एली वो लुक्स सीरियसली सेम गाइस. ये है वो रास्ता. सो गाइस फाइनली गाइस अब मैं लोग अपने हाइड आउट पर आ चुके हैं गाइस. ओके, इट वॉज अ very amazing and a tough kind of a job guys to do, honestly guys. okay, Michael itna thak gaya tha bhai, Michael itna dar gaya tha, dekho bhai wahan aaram se baitha hai. lekin guys you guys can chill over here. okay, this is a very amazing and absolute kind of a position and even a place guys. okay, वैसे guys ये सब तो चलता रहेगा, अपना यही अब hideout होगा guys. ओके सो गाइज हमको एक इंटेल मिली है, हमको जल्दी जाना है गाइज. जो लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट है गाइज, उसने ही रेड करवाई थी माइकल के घर पे. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पॉलिटिक्स करप्शन यू नो द डिग्निटी स्पॉइलिंग एंड एवरीथिंग. सो गाइज अपने लोग जा रहे हैं, हाँ, और अपने लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि गाइज अपने लोग जा रहे हैं वो प्रेसिडेंट की जहाँ पे मीट है ना, वहाँ पे ही हम लोग ने ऐसा सोचा है कि वहाँ पे अपने हमला करेंगे. वी आर गोइंग टू अटैक. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो ऐसी कोई कोशिश ना करे. दे डोंट इवन ट्राई नेक्स्ट टाइम. ओके, सो वी आर गोइंग टू ओके द व्हाइट हाउस, द नियर बाय द व्हाइट हाउस. वी गोइंग टू अटैक ऑन द सिक्योरिटी मेट्स फ्रॉम द व्हाइट हाउस. ओके, सो वी गोइंग टू कम्प्लीटली लेट देम नो ओके दैट दिस इज फ्रीकिंग माइकल टाउनली. ओके, and he is very angry and he is not the person to you know okay guys. so apne log guys apne log bahut hi jaldi jane wale hai white house pe guys. okay, wahan pe apne log president ko aisa ehsaas dilane wale hai theek hai ki michael ko nahi usko kuch aisa karna chahiye. theek hai, kyunki michael koi era gera nahi hai yaar. michael is a businessman, usne bahut even like illegal to legal every kind of works and business works उसने किए हैं और as a president उसको like pressurize कर रहा है. तो guys obviously freedom अपने हाथ में ही है, we can do whatever we want. okay, so guys we going to approach it really near guys. okay, रास्ता काफी शानदार है guys. okay, वहाँ से अपने लोग माउंट चिलाट देख पा रहे होंगे guys. वैसे गाइज अपने लोग काफ़ी नज़दीक है गाइज, ऑनेस्टली बहुत ही नज़दीक है गाइज व्हाइट हाउस के. ओके, अब मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ गाइज. मैं कन्फ्यूज़ इसलिए हूँ, अगर आप लोग को याद हो तो अपने लोग ने पिछली बार यहाँ से ही वो कार चुराई थी. ओके, वो पुलिस वीआईपी कार गाइज, एक कॉन्वॉय हो रहा था गाइज. हाँ गाइज ये रही रास्ते है, वहाँ पर पीछे रोड ब्लॉक था. अगर आप लोग ने प्रीवियस एपिसोड देखे हो तो गाइज जाना चाहिए. अभी का इसका पहले का जो एपिसोड है वो तो बहुत ही बढ़िया था गाइज. यहाँ पे ही अपने लोग ने फ्रैंकलिन को ड्रॉप किया था गाइज. ओके, सो गाइज बहुत ही खतरनाक सा नज़ारा है, आप लोग को थोड़ा दूर से बताऊंगा. अच्छा है अपने लोग आर्मर्ड कार लेके आए थे तो थोड़ा दूर से अटैक करेंगे. वैसे गाइज हम लोग ने सोच के रखा है ओके, जो भी करेंगे दूर से करेंगे. ओके, वी आर गोइंग टू लीव नो एविडेंसेज. ओके, उन लोग को पता भी नहीं चलना चाहिए कि अपने है यहाँ. ठीक है, हाँ वो ओके गाइस, इसको बोलते हैं GTA फिजिक्स गाइस. ओके, ये GTA फिजिक्स है गाइस. ओके, ये कोई भी बुक्स या कोई भी पढ़ाई में नहीं सिखाए जाते, तुमको खुद सीखने पड़ते हैं. वो गाइस ओके, आई थिंक ये बहुत ही तगड़ी जगह है रुकने के लिए. यप गाइस, एस्केप भी इजीली होगा गाइस यहाँ से. ओके गाइज, अब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से स्नाइपर उठाऊंगा गाइज. यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं गाइज. ओके, वन गाय, टू,
three, four, five, six. और ये लोग तो रह ही गए, लेकिन यहाँ पे लाइक गाइस पब्लिक है, ओके okay? और प्रेसिडेंट अपना ये रहा, प्रेसिडेंट को नहीं मानना है गाइस, ओके okay? इसको जिंदा रखना है. सो गाइस अपने जिन लोग को मारने वाले वो ये आर्म्ड बंदों को, क्योंकि इन लोग को मारेंगे ना गाइस तो प्रेसिडेंट को ऐसा एहसास हो जाएगा कि ये पुलिस को नहीं, ये डायरेक्ट आर्मी को ही मार रहा है, तो भाई ये बंदे से नहीं लेना चाहिए कोई पंगा. वेल गाइस हम लोग जो भी कर रहे हैं माइकल, सॉरी वैसे हम जो भी कर रहे हैं माइकल तेरे लिए कर रहे हैं, ये चीज़ भूलना मत भाई, ठीक है? आजकल लोग भूल जाते हैं लेकिन तू मत भूलना. ओके गाइस हंगामा शुरू करते हैं. ट्रेवर गन में गन रख, माइकल तुझे चलेगा अगर तू गन नहीं रखेगा तो. ओके गाइस मैं पहले वेपन देख लेता हूँ, स्नाइपर राइफल, हैवी राइफल, सप्रेसर वाली ये है, इसमें ज़्यादा जूम नहीं है यार, इसमें सप्रेसर भी है, ये यूज कर रहा हूँ. ओके गाइस सब पहले गाइस अपने लोग ये बंदे को मारेंगे. फर्स्ट डाउन गाइस. गाइस गाइस इन लोग ने हमला चालू कर दिया. ओ गाइस इन लोग ने तो हमला चालू कर दिया है गाइस. वो 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 गाइस इसमें ऐसा है. ओके गाइस वो 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 Holy crap guys, अब तो अपना भांडा फूट चुका है guys. गाड़ियां फोड़ देते हैं गाइस, तो उन लोग को ऐसा पता चले कि अगली बार ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? अब आज की बार भाई मेरे माइकल को कोई परेशान मत करना गाइस, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? एक्सक्यूज द फकिंग मी. ओके गेट इनसाइड द कार गाइस. ओके आई एम हियर, डोंट वरी, I'm here, don't worry. क्या है भाई, भाई क्या है भाई, तुम लोग को बहुत गोलियाँ चलानी है, बहुत ही गोलियाँ है, ऐसा है? Get the hell out of here, guys. Okay, you guys don't know me and Michael down there, okay? हम लोग यहाँ से भी जंप करके शायद जा सकते हैं अगर रास्ता निकला तो, क्योंकि पुलिस बहुत पीछे है guys, okay? Okay, okay, पुलिस बहुत ही पीछे है guys. Okay, लगता है ट्रेवर के घर जाना पड़े, शायद पता नहीं, वो हाइड आउट पर अभी तो नहीं जा सकते गाइस, क्योंकि पूरी लॉस सैंटोस की पुलिस अपने पीछे है गाइस. यस अपने प्रेसिडेंटल स्पीच के दौरान अपने लोग ने एक आर्मी पे अटैक किया है गाइस, दैट्स हाउ इट्स गोइंग. ओके बहुत सारी पुलिस है गाइस पीछे, ठीक है? हेलीकॉप्टर वगैरह भी है, ठीक है? अपने लोग यहाँ से थोड़ा जंपिंग ट्राई करेंगे, ओके अगर वियर्ड सा लगे तो. ओके मेरे को यहाँ से शार्प लेफ्ट लेना पड़ेगा गाइस, ओके क्योंकि यहाँ से अगर मैं सीधा जाऊँगा तो पकड़ा जाऊँगा. और गाइस अगर सच बताऊं तो पुलिस काफ़ी है गाइस, ओके ये तो अच्छा है, यहाँ पे इतने लोग नहीं है, ठीक है? वैसे गाइस अपने लोग प्लेन काउंटी डेजर्ट एरिया पे आ चुके हैं गाइस, ओके यस. सो गाइस यहाँ पे ज़्यादा पुलिस तो नहीं लग रही है, लेकिन आवाज़ आ रही है. वैसे गाइस अब लगता है अपने लोग सेफ है गाइस, ओके मुझे नहीं लगता अब पुलिस होगी अपने पीछे. आई डोंट थिंक सो, द कॉप्स आर बिहाइंड अस गाइस, आई डोंट थिंक सो. ओके ओके बट आई कैन हियर द साइरन. वो ओके गाइस वी आर वेरी 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 सेफ एट द मोमेंट. ओके वी कैन लाइक यू नो स्टैंड ओवर हियर फॉर अ व्हाइल. तो गाइस ये कुछ अनोखा सा एपिसोड था गाइस, बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स हुए थे, ठीक है गाइस? हम लोग को पता नहीं था कुछ ऐसा सीनरी होगा. और गाइस अभी भी बाहर पुलिस है शायद, मेरे को हेलीकॉप्टर की आवाज आई. नहीं गाइस कोई नहीं है. ओके गाइस चिल मारो यार, इतना टेंशन मत लो, टेंशन मत लो गाइस, टेंशन मत लो. वैसे गाइस अभी अपने लोग को कवर में तो रहना पड़ेगा. वैसे गाइस ये लोग कवर में रह लेंगे, ओके ये लोग अपने लिए कवर करेंगे. वेल गाइस सो
काफ़ी अनोखा सा एपिसोड था गाइस, मैं आप लोग को मिलूंगा आप अगले एपिसोड में गाइस। ओके काफ़ी थक गया था गाइस, आई डोंट नो व्हाई मेरा फेस कैम नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने फेस कैम ही नहीं लगाया इस वाले एपिसोड में गाइस। बट गाइस ऑनेस्टली बताऊं, काफ़ी शानदार सा एपिसोड था गाइस, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है गाइस। ओके वो प्रेसिडेंट ने यार माइकल के घर पर रेड करवा दी, ठीक है। माइकल उसके घर के साथ था, घर के बहुत सारे लोग थे, ठीक है। उसको उसके काफ़ी लोग बुलाने पड़े, ठीक है, और मुझे भी कॉल कर दिया उसने, इसलिए मैंने भी सोचा भाई कि भाई ये तो कुछ अलग ही सीन है, इसको तो निकालना ही पड़ेगा, उसके घर तो का पूरे दुनिया के बाहर निकालना पड़ेगा। तो गाइस अपने लोग ने कर लिया वो चीज़ ये एपिसोड में। सो गाइस आई विल सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट एपिसोड गाइस, टिल दैट आई एम गोना गाइस ऑलवेज गोइंग टू से पीस आउट।